Perfect tense. सो पास्ट परफेक्ट टेंस, अब इसमें जो हमारे पास जो रिकॉग्निशन आती है, रिकॉग्निशन कह लो या पहचान कह लो, वो आती है चुका था, चुकी थी, चुके थे. आफ्टर दैट हमारे पास इसमें आएगी हेल्पिंग वर्ब. सो इन दिस केस जो हमारे पास जो आपका ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है हैड. हैड सबके साथ हैड ही यूज होती है, विद ऑल सब्जेक्ट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो हमारे पास इसमें आता है सिंपल सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस. इसमें एक रूल आता है. सो रूल आता है दैट इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस द अदर वर्ड्स. जैसे हम काम कर चुके थे, हम काम कर चुके थे. यहां पे देखिए अब जैसे रेकग्निशन आ गई, चुका था, चुके थे. सो वी हैड डन वर्क. वे घर पहुंच चुका था. He had reached home. Next हमारे पास आता है इसी में ही negative sentence. अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या आता है हमारे पास, इसका भी एक रूल होगा. अब इसका जो रूल है दैट इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट थर्ड फ्रॉम द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. तो इसकी जो एक रिकॉग्निशन होती है, जैसे चुका था, चुकी थी, चुके थे, आप इसके साथ और भी जोड़ सकते हैं, जैसे कर लिया था, पहुंच गई थी, पहुंच गए थे, like this also. So इसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है जैसे negative sentence, जैसे वे घर नहीं पहुंचा था,
had not reached home. उसने काम नहीं किया था. He had not done work. So this is your negative sentence. नेगेटिव के बाद हमारे पास आ जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस. सो इन द इंटरोगेटिव सेंटेंस रूल helping verb plus subject, third form the verb, plus subject plus other words. क्या हमने ये काम कर लिया था? Had हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी. Had we done this work? क्या हम टाइम पर घर पहुंच गए थे? Had we reached home on time? Next is negative interrogative sentence. Rule helping verb plus subject plus not the third form of the verb plus subject plus the other words. सेंटेंस, क्या हमने ये काम नहीं किया था? Had we not done this work? क्या वह टाइम पर घर नहीं पहुंचा था? Had he not
रीच्ड होम ऑन टाइम। सो ये था आपका नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो वी हैव डन नाउ द पास्ट परफेक्ट टेंस। थैंक्स।